ब्रेकफास्ट तो एवरीडे घर पे बनता है सर, आज थोड़ा स्पेशल ब्रेकफास्ट बनेगा, और स्पेशल वो भी इसलिए क्योंकि आज मैं खुद अपने हाथों से बैटर बनाऊंगी पैनकेक की। पैनकेक हम लोग को बहुत पसंद है, पर हमेशा मैं पाउडर ले लेती हूँ जो मिलता है ना केक पाउडर, उसे आप दूध के साथ मिक्स करके फिर आप इसे यूज करो, तो उस तरह की। तो आज पहली बार मैं पैनकेक का बैटर भी खुद बनाऊंगी और पैनकेक भी बनाऊंगी, पर मैपर सिर्फ नहीं है तो हनी से काम चलाना पड़ेगा। हमें चाहिए एक एग, शुगर, ऑयल, इसे अच्छे से मिक्स करना है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क और बनाना मिक्स, एक्चुअली मैं ये बनाना पैनकेक बनाना चाहती हूँ। थोड़ा और मिल्क, और अभी इसमें मैदा ऐड करूंगी, वेनिला एसेंस, बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अभी इसे अच्छे से मिक्स करके फिर इसका छोटे छोटे पैनकेक बनाना है। मालपुआ, बहुत अच्छे मालपुआ बना। ठीक है, मालपुआ भी तो इंडियन पैनकेक ही है ना, एक टाइप का डोसा मालपुआ। सबसे पहले मुझे इसका मेजर के बारे में आइडिया लेना पड़ेगा कि कौन सा कितना देना चाहिए, मैदा ज्यादा हो गया या क्या हो गया कुछ पता नहीं। मैदा कम हो गया, मैदा ज्यादा हो तो थोड़ा स्टीप बनता है। एक कम हो गया, हाँ, एक से फ्लफी बनता है। जो भी बना अच्छा लग रहा है खाने में, मीठा मीठा। चलो आज का ब्रेकफास्ट मालपुआ ही बना दिया। बाय द वे, ब्रेकफास्ट जो भी हुआ तो जो हो जाता है तो उसे कभी याद नहीं रखना चाहिए, स्पेशली अगर कुछ बुरा होता है तो उसे तो बिल्कुल भी याद नहीं रखना चाहिए। तो आज हम मतलब अभी मैं बनाऊंगी कॉफी, तो कॉफी बनाने के बाद आज हमारा प्लानिंग है कि आज हम लंच में बनाए बटर चिकन। अरे आर्यन के पापा का चॉइस है, बटर चिकन के साथ क्या खाओगे? बटर चिकन के साथ ऐसे तो नान अच्छा जाता है। नान बनाना भी पॉसिबल नहीं है, प्लीज। जीरा राइस अच्छा जाता है। राइस के ऊपर कुछ बना सकती हूँ, जीरा राइस बना लेते हैं। नान मतलब अभी बहुत हेक्टिक है, मैं देखो अच्छी तरह से दूसरे तरीके से उसे गूंदना फिर उसे बेलना वगैरह बहुत सारा काम है। और इस टाइम में मुझे मेरा पैकिंग भी, मेरा पैकिंग का काम चल रहा है, जो सारे कपड़े हम नहीं लेके जाने एक साइड में रखना पड़ रहा है वो तो मैं डोनेट कर देती हूँ, जो सारे लेके जाना है वो अलग से रखना पड़ रहा है, किचन का वो डब्बे वगैरह भी बहुत सारा काम। तो चिकन यहाँ पे मैंने कुछ सॉल्ट और रेड चिली पाउडर के साथ मैरिनेट करके रखी है, तो इसे अभी अच्छा इसमें अभी थोड़ा सा कर्ड ऐड करना पड़ेगा। इसे मैरिनेट करने के बाद या तो इसका टिक्का बनाना पड़ता है या तो इसे ऑयल में फ्राई करके फिर इसका मसाला बनाना पड़ता है बटर मसाला में, पर मैं क्या करूंगी थोड़ा कम ऑयल यूज करते हुए इसे मैं ओवन में डाल दूंगी, ओवन में थोड़ा सा बेक हो जाए, बेक होने के बाद ना थोड़ा सा बर्निंग वो स्मेल भी आ जाता है और वो उसका जो टेक्सचर है वो भी थोड़ा सा बर्निंग वाला आ जाता है जैसे कि ग्रिल होता है बिल्कुल ऐसे। तो उसके बाद मैं इसका कड़ी बनाऊंगी जैसे कि बटर मसाला बनाते हैं बिल्कुल ऐसे। तो अभी हम क्या करेंगे, चिकन को हम इस ट्रे में प्लेट कर देंगे ताकि एक एक करके अच्छे से इसमें, क्योंकि बहुत सारा पानी निकलेगा तो पानी के लिए भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ना पड़ेगा, और पानी निकलने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तब जाके इसमें वो बर्निंग वाला लुक आएगा और स्मेल भी। एक तरफ अभी कॉफी बन रहा है और एक तरफ मैं चिकन को प्रिपेयर कर दूं। और हाँ, आर्यन का स्कूल ओपन हो चुका है फिर भी उसका क्लास नहीं हो रहा है, ऑनलाइन पे क्लास हो रहा है, कुछ इलेक्शन था तो इसके इलेक्शन और रेन, हाँ इलेक्शन और रेन इसकी वजह से नेक्स्ट वीक से वो स्कूल जाए। चिकन हो रहा है और यहाँ पे प्याज भी मैंने कट कर लिए है और अभी बनेगा कॉफी। पर इसमें से कौन सा तुम्हारा कौन सा मेरा ना इतना मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा सिप लेके देखना पड़ेगा किसमें। चीनी मेरा खाना सही नहीं है, तुम्हारा खाना। हाँ वही मैं चेक करके देखती हूँ, तुम्हारा है। करेक्ट, सही है। एस्ट्रोलॉजी वगैरह शुरू करो ना, दिमाग याददाश्त। अगर ये हो जाए तो मेरा आधे से ज्यादा काम कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि चिकन बटर मसाला में थोड़ा सा प्रोसेस है और राइस तो बन चुका है, बस एक बड़े से तवा में जस्ट जिंजर, क्यूमिन सीड्स, ब्लैक पेपर
सिनेमन ये सब ऐड करके बस राइस को फ्राई कर दूंगी, हो जाएगा। पर धनिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जीरा राइस में, पर धनिया है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। बार 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 स्विगी इंस्टेंट में कुछ ना कुछ लाने के लिए दे रही हूँ, और अभी मिथुन मतलब भड़क जाएंगे मेरे। मैं नहीं ले रही इसलिए मैं तुम्हें नहीं बोल रही, मैं बाकी सबको बोल रही हूँ। पर 200 रुपीज का अगर कुछ नहीं होता है तो वो लोग डिलीवरी नहीं करते। डिलीवरी करते हैं, चार्ज ओके। मुझे याद नहीं रहता हर एक चीज, मतलब एकदम से बोलू क्या क्या चाहिए उसके बाद ऑर्डर करूँ। मुझे लगता है कि है, पर मुझे नहीं लगता कि है, जो भी है वो सर गया। तो अभी ये रहा हमारा ग्रिल्ड चिकन, तो इसके अंदर डाल दूंगी, अच्छा बना दिखने में। तो अभी बन रहा है हमारा जीरा राइस। तो पहले एक बार ब्रायन बोला था कि इसके साथ नान अच्छा जाएगा, तो मम्मा नान मंगवा लो बाहर से। फिर मैंने सोचा कि चलो नान के बदले में एक बार जीरा राइस से तो ट्राई करके देख लो ओके कैसा बनता है। वैसे जीरा राइस के साथ भी काफी अच्छा लगेगा मुझे लगता है, देखते हैं। ग्रीन चिली छोटे छोटे पीसेस पे कट करके डाल दूँ ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पर आर्यन खा नहीं पाता, उसके मुँह में अगर आ जाता है ना तो बहुत मतलब तकलीफ हो जाती है उससे, तो इसलिए इससे मैं ऐसे स्टीच करके दे दूँ ताकि अगर हमें भी मन करे तो हम इसे खा सकें। और ये चावल देखिए कितना खिला खिला है, अगर इतना खिला खिला चावल होता है ना तो हर एक राइस रेसिपी बनाने में मजा आ जाता है। राइस जब ये बॉईल हो रहा था तो थोड़ा सा ऑयल और सॉल्ट ऐड कर दिया था, तो अभी मुझे नहीं लगता और ज़्यादा सॉल्ट की ज़रूरत है क्योंकि ग्रेवी के साथ खाएगा। एंड मैं जीरा राइस में मतलब कुछ रेसिपीज है जहाँ पे ब्लैक पेपर तो यूज़ करना चाहिए, पर पाउडर ब्लैक पेपर रेडीमेड पाउडर मुझे यूज़ करने का मन नहीं करता, वहाँ पर थोड़ा सा क्रश्ड ब्लैक पेपर अच्छा लगता है, तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगी। आर्यन देख बिल्कुल बिग ब्रूस की वाला राइस बोल बना दिया। आर्यन बेटा कोथाय गेलो, बिग ब्रूस की वाला राइस बोल। कभी कभी मुझे शक होता है इतना अच्छा खाना कैसे बना सकता है। खाना तो तुम अच्छा बना लेती हो लेकिन खुद का नहीं, खुद का तारीफ करना भी हेल्थ के लिए अच्छा है, एक हेल्दी हैबिट है। एकदम से पंजाबी रेस्टोरेंट से मंगवाएगा डिश की तरह, पर ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ वो करेक्ट हो, इसलिए मैं तुम्हें पूछ रही हूँ कैसा लगा तुम्हें। अरे एक बात बोल रही हूँ तुम्हें, जब तुम मेरे तारीफ करोगे ना तो उसमें रुकना नहीं, मेरे लिए भी रुकना नहीं, बस करते जाना करते जाना, मैं कुछ माइंड नहीं करूँगी। कुछ खाना होता है जो कि सच में अच्छा नहीं बनता, पर जो अच्छा बन जाता है ना वो हाईफाई लेवल पे बन जाता है। अरे थोड़ा और खाना है? नहीं बाद में पता ना मत। कुछ मैंने पहले हमने कुछ खरीदे थे, अभी क्या खरीदे थे इतना याद नहीं है, पर उसके लिए हमें 10,000 रुपीज का टाटा क्लिक का वाउचर मिला था, तो बहुत ही वेट किए, हमने सोचा था कि इंटीरियर हो जाएगा नए घर में कुछ नया ऑर्डर कर लेंगे, पर इसका भी वैलिडिटी खत्म होने वाला है तो इसलिए कुछ ऑर्डर कर लिया। चलिए आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। सारे घर के मतलब किचन के आइटम से ज्यादा लिया है, मतलब 2-4 आइटम ही मिला है क्योंकि इतना ज्यादा प्राइस है ना उनका, कितना जो मेरी जरूरत की चीजें वही मैंने लिया है, फालतू की चीजें नहीं ली है। सारे चीजें आया है कि नहीं पता नहीं, इतने बड़े डब्बे में एक ही चीज आया है, मैंने सोचा सारे आ गए। अगर मैं यहाँ से नहीं लेती तो मैं अमेजन से ये जरूर लेती, मतलब अमेजन में अगर आप मेरे कार्ट देखेंगे ना तो कार्ट में लास्ट कुछ महीनों से इतने सारे चीजें रखे हैं। वो कार्ट में ही रहने दो, सुंदर लग रहा है कार्ट भी सुंदर लगता है। वो हमारे घर पे सुंदर लगेगा। नहीं 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 कार्ट में ज्यादा सुंदर लगेगा, तो सारे आइटम्स आ गए, इतना बड़ा बॉक्स में भेजा है ना। केयरफुल, ये पोर्सलिन का है ना, सिरेमिक का है, सिरेमिक का गिर गया तो टूट जाएगा, इतना ज्यादा कॉस्ट है ना टाटा क्लिक में, अभी समझ में आया कि कॉस्ट क्यों है। टाटा क्लिक में कॉस्ट नहीं है ज्यादा, ये टाटा क्लिक लग्जरी है, इसमें कॉस्ट है ज्यादा। वही जो भी है मेरे बेकिंग वेयर बेक वेयर
बेकिंग की चीजें मेरे पास ज्यादा नहीं है, पर है बहुत खूबसूरत। इसमें मैं चिकन ग्रिल कर सकती हूँ, होल चिकन भी ग्रिल कर सकती हूँ, बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ, पूरा बिरयानी बना सकती हूँ इसमें मैं। बाबू यहाँ पे नाइफ है, सीजर है, कितना हेवी है ये, हेवी हो गई। कितना ज्यादा इसका प्राइस? 5,000, 4,500 से कुछ ज्यादा, 5,000। इसमें चला गया आधा पैसा। अभी घड़ी में बजे हैं 7:40 और जैसे कि मैंने बोल रहा था कि मैंने टाटा क्लिक से कितनी सारी चीजें मंगवाई थी, बस एक ही चीज आया था और कुछ देर पहले ये देखे गया। तो अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या मिला है हमें, क्योंकि मैंने हाँ बहुत सारी चीजें ऑर्डर की थी, पर मैंने सोचा इतना बड़ा बॉक्स है तो 3-4 आइटम्स तो जरूर आएगा, पर वो भी नहीं आया। पर इसमें भी सारा आइटम नहीं आएगा, 1-2 शायद होगा, पर देखते इसमें क्या है। नए चीजें नए घर में खोलने में ज्यादा मजा आता है, पर क्या कर सकते हैं, ये मुझे अभी लेना था। ये भी एक बेकिंग का ही आइटम है, इसमें कीश वगैरह हम बना सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें हम बना सकते हैं। तो इसका भी बहुत दिनों से मेरा एक शौक था कि मैं एक ये लूं, क्योंकि कीश बनाने का भी मुझे बहुत दिनों से शौक था। मैं YouTube में देखते रहती हूँ ऐसे बहुत सारे कीश के आइटम, जैसे कि वेज नॉन वेज सारी चीजों के ऊपर, तो ये मैं, और इसमें लज़ाना भी बहुत अच्छा बनता है। तुमने देखा क्या आया है? हाँ, और ये काफी बड़ा है एक्चुअली ना, जब हम इसे ले रहे थे तब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कितना बड़ा होगा, क्या छोटे छोटे चीजों से क्या फायदा होगा, एटलीस्ट ऐसा कोई चीज जो कि तीनों का हो जाए, मतलब ऐसा कुछ बनाओ ताकि तीनों का हो जाए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसका क्वालिटी भी काफी अच्छा है, है ना, काफी भारी है और साइज भी ठीक ठाक ही है। नॉर्मली एक किश फुल साइज का किश, अरे रिद्धि से जो हम मंगवाते हैं ना, तो इसी साइज का होता है ना वो, फुल साइज का, फुल साइज का, इसी साइज का ऐसा ही होता है। और हाँ, इसमें चीज केक भी बहुत अच्छा बनता है, चीज केक के लिए भी ये हम यूज कर सकते हैं। कभी किया नहीं, पर अभी वहां पे जाने के बाद मैं ऐसे डिशेस मतलब बनाऊंगी कभी कभार, तो सारे बेकिंग आइटम्स ले रहे हैं। इसे ऐसे ही पैक करके रख दे, क्योंकि यहाँ पे तो मैं इसे यूज करूंगी नहीं। और वैसे भी अभी कुछ दिनों के अंदर मेरा ये जो माइक्रोवेव का जो पूरा सेट है ये वहाँ पे चला जाएगा, पर माइक्रोवेव का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। 15 तक चला जाएगा ना। ओवन का काम तुम एयर फ्रायर में भी कर सकते हो, एयर फ्रायर ले लेंगे। हाँ, एयर फ्रायर वैसे भी मुझे चाहिए था तो ले ले। कब से बोल रही थी, तो बोल रहे नहीं रहने दो, तुम्हारे पास ओवन है। हाँ, एयर फ्रायर से बहुत सारी चीजें हो सकता है, पर वो तो बाद में देखा जाएगा। पर ये जो सेट ये चला जाएगा, जैसे कि एसी चला गया था, तो ये भी जब सेट मतलब किचन का सारा आइटम से अभी सेट होगा ना, वहाँ पे हमारा जो वॉशिंग मशीन, फिर चिमनी, फिर क्या बोलते हैं गैस ओवन, सारी चीजें वहाँ पे अभी सेट होगा अभी कुछ दिन में, तब ये भी सेट होगा, तब ये चले जाएगा। पर फ्रिज हम तब लेंगे जब हम यहाँ से जाएंगे, मतलब पहले दिन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिज के बिना एक दिन भी नहीं चलेगा। दूध वगैरह इन लोगों का चिकन कहाँ पे रखेंगे, जिस दिन जाएंगे उसके पहले दिन हम वहाँ पे फ्रिज ले लेंगे, फ्रिज टीवी ये दोनों, क्योंकि टीवी के बिना भी हमें एक दिन भी नहीं चलता। इंसान को शॉपिंग करना पड़ता है, कहीं पे घूमने जाना पड़ता है, ये अच्छे अच्छे खाना बनाना पड़ता है। मेरे लिए भी ऐसा कुछ है, पर वेदर मेरा मूड सबसे ज्यादा ठीक कर सकता है। जब भी बारिश हो जाती है तो मैं हैप्पी हो जाती हूँ। विंटर में तो विंटर वैसे होता नहीं है यहाँ पे, पर जिस दिन थोड़ा ज्यादा ठंड पड़ जाती है ना, तो उस दिन मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। आज बारिश तो नहीं हुआ ना? आज बारिश नहीं हुआ, फिर भी हवा बहुत अच्छा है। ये जस्ट हाँ, ये तुमने दोपहर को ही सुखाने के लिए दिया था ना? हाँ, दोपहर को दिया, अभी सूख गया। पर बैंगलोर में जब बारिश होता है तो इतना ज्यादा होता है, एवरी डे बारिश होता है, तब कपड़े सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने ड्रायर ली है, अभी मतलब कभी ड्रायर के बारे में सोचा नहीं था। वॉशिंग मशीन है तो ठीक है, एक डिश वॉशर मुझे लेना था, पर ड्रायर के बारे में कभी सोचा नहीं था। पर यहाँ पे एक तो घर पे ये जो नया घर है यहाँ पे ड्रायर का वो बंदोबस्त था, सोचा ड्रायर की जरूरत नहीं है। पर ये जो मॉनसून था मतलब लास्ट ईयर, तो मैंने बोला है कि ड्रायर मुझे लगता है कि ले लेना बेहतर है, बिकॉज जो भी भीगे हुए कपड़े होते हैं ना वो मुझे क्लीन तो करना ही पड़ेगा, चाहे फैन की हवा में सुखा हो या बाहर की हवा में या धूप में, तो एक जगह पे जब रख देती हूँ ना तो उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है। जो भी हो आज ये प्रूफ हो गया ना, मैं भी इनके घर के काम में हाथ बटाता हूँ। तो मैंने कब मना किया, दोपहर को कपड़े सब सुखाने दे दिया था। जो तुम करते हो वो मैं मना नहीं करती, वो मैं एग्री करती हूँ।
रात के 11:30 बज चुके हैं और अभी हम थोड़ा सा बालकनी में हवा खाने आए हैं। डिनर हो चुका है। डिनर में आज मैंने बनाई थी दाल, आलू फ्राई और स्प्रिंग अनियन होता है ना, तो आलू और स्प्रिंग अनियन फ्राई हम लोग खाते हैं, तो ये बहुत ही एक फेमस भाजी है हम लोगों के लिए। यहाँ पिया विश्वकर्मा लगी आ गया मम्मा को डिस्टर्ब करने। अरे बाप रे, अंधेरा में आंखें कैसा दिखता है मिथुन, अंधेरे में ऑस्कर मेलो का आंखें कैसे दिखता है देखो।